हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। एज यू नो दैट सरफेस केमिस्ट्री इज कंटिन्यू एंड इन सरफेस केमिस्ट्री इन कोलाइडर पोर्शन। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब तक की वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट मेथड से कोलाइडर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया और हमने बताया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं वो सारे कोलाइडल सॉल्यूशन इम्प्योर होते हैं। दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइड्स को बनाने के लिए तो कोई हमें मेथड की ज़रूरत नहीं है, डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिला देना है। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए हमें थर्ड मीडियम इंटर करना पड़ता है, तब जाकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बन के तैयार होता है। अब उसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज रह जाती हैं या कुछ चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में हैं तो वो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में रह जाते हैं। तो उस इम्प्योरिटी को हम जिस तरह से भी निकालते हैं उसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ओके, तो ये जो प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, इट इज द प्रोसेस ऑफ of removing removing dissolved impurities from colloidal solution by following method, first is the dialysis, and second one is the electrodialysis. And third one is ultrafiltration. Okay, there are three methods. One is dialysis, another is electrodialysis, and last one is the ultrafiltration. Okay, student. One by one we see the dialysis, electrodialysis and ultrafiltration. Dialysis, first is the dialysis. Okay, first one is the dialysis. Dialysis is the, it is the process of, it is the process of removing dissolved impurities from the collider
सॉल्यूशन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू द सुटेबल मेम्ब्रेन। एक सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कि जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम सॉल्वेंट से अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस में करते क्या, पहले हम इसको बता देते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में एक तरफ से फ्लोइंग वाटर इंटर करता है और दूसरी तरफ से ये वाटर लीव करता है। अब यहाँ वाटर प्लस इम्प्योरिटीज होगी, ओके। अब यहाँ पे थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजर, एक चीज तो बोल गया आपने, डिफ्यूजर। अब इसमें क्या होगा कि हम एक बैग लेते हैं, डायलाइजिंग बैग इसको कहा जाता है। ये बैग जो होता है एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसे हम एक स्टैंड से लगा देते हैं, इसके अंदर कोलाइडर सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडर सॉल्यूशन। अब ये जो वाटर है इसके अंदर पूरा यहां तक भरा हुआ है, ये वाटर यहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ये वाटर जब फ्लो करेगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम डायलाइजिंग बैग कहते हैं। ये डायलाइजिंग बैग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। जब इसके अंदर हम पहले से कोलाइडर सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसको हम वाटर के अंदर सस्पेंड कर देते हैं और एक तरफ से वाटर फ्लो करना शुरू करता है, दूसरी तरफ से निकलना शुरू होता है, तो जो वाटर है इस बैग के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसकी पोर साइज क्या है, छोटी है, तो उस पोर साइज छोटे होने से वाटर अंदर चला जाएगा और वो वाटर के अंदर क्या है, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि कोलाइडर सॉल्यूशन में नहीं दिख रही हैं, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हैं, वो वाटर के साथ बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इस बैग के अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर चली आ जाएंगी और इस तरह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्योरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया कि एक डायलाइजिंग बैग लिया, उस बैग को वाटर से भरे हुए कंटेनर में सस्पेंड कर दिया, इसके अंदर इम्प्योर कोलाइडर सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर इम्प्योरिटीज डिजॉल्व फॉर्म में है, वाटर एक तरफ से पास करते हैं
वाटर एक तरफ से फिल्टर करता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। ये वाटर सॉल्वेंट है, तो ये जो मेम्ब्रेन की पोर्स है वो सॉल्वेंट के लिए सूटेबल है। वाटर अंदर की ओर जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर के वाटर के साथ डिफ्यूज होकर बाहर चली जाती है, और इस तरह से जो है कि हमारा ये सोल्यूशन प्योरीफाइड हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में क्या होता है बहुत समय लगता है, ठीक है, मगर प्योरीफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आई बात समझ में? तो डायलिसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व इम्प्योरिटी फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन, ओके, कोलाइडल सोल्यूशन थ्रू द डिफ्यूजन, थ्रू द सूटेबल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन, ओके। तो इसी चीज को बस यहाँ पे लिख लेना है, इन दिस प्रोसेस और डायलिसिंग बैक बैग विथ कोलाइडल सोल्यूशन विथ इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज सस्पेंडेड इन a container containing flowing water and dissolve impurities in dissolve impurities in colloidal solution pass through membrane in flowing water. Here you have to write water, okay? जो हमने बनाया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि इस प्रोसेस में डायलाइजिंग बैग को इम्प्योर क्लोराइडल सोल्यूशन के साथ सस्पेंड कर देते हैं, इस कंटेनर में ऐसे लटका देते हैं जिसके अंदर फ्लोइंग वाटर है, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं क्लोराइडल सोल्यूशन में पास कर जाती हैं थ्रू द मेम्ब्रेन इन द फ्लोइंग वाटर, और इस तरह से प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बट सिंपल बट दिस प्रोसेस इज स्लो। अब ये प्रोसेस फास्ट हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो डायलिसिस, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रो डायलिसिस। अगला हम देखते हैं यहाँ पे
इलेक्ट्रोडायनेसिस, इलेक्ट्रोडायनेसिस। ओके, इलेक्ट्रोडायनेसिस क्या है? एक ये ऐसा प्रोसेस है जो कि डायलिसिस के प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में किया जाता है जब इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होते हैं। व्हेन इम्प्योरिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कोलाइडर सॉल्यूशन, देन वी डू इलेक्ट्रोडायलिसिस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस वी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेम सारी चीजें कंटेनर वगैरह सब सेम रखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम वाटर पास करते हैं, वाटर। ओके, और इधर से वाटर पास आउट करने का प्रोसेस होता है वाटर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और बीच में हम सस्पेंड कर देते हैं डायलाइजिंग बैग को। डायलिसिंग बैग को हम यहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं। डायलिसिंग बैग को हम इसमें सस्पेंड कर देते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो है कोलाइडर सॉल्यूशन विद इसको हम एक सस्पेंड कर देते हैं यहाँ पे स्टैंड से, ठीक है। सारा अरेंजमेंट सेम वही है, मगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करता है कि अगर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी से मूव करते हैं और इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बस डायलिसिस के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसमें जो है कि इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स में जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर डिफ्यूज़न के थ्रू निकल करके चले जाते हैं। डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, वी यूज इलेक्ट्रोड on both side of
side of both side of dialyzing back if impurities are if impurities are electrolytes. Okay, to speed up the process of dialysis we use electrode on both sides of dialyzing bag if impurities are electrolytes. This method of dialysis is known as electrodialysis. Okay. In this process, on applying electric field, impurities move towards respective electrode and collider solution become purified. Okay, प्रोसेस हम डायलिसिस का ही करते हैं, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देने से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे इम्प्योरिटीज़ जो चार्ज के फॉर्म में है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर बहुत तेज़ी से चले जाते हैं, तो जो प्रोसेस लेट से हो रहा था वो प्रोसेस अब जल्दी होने लगा. ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था जिसमें कि हम डायलिसिस को स्पीड अप करने के लिए हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया दोनों साइड में डायलिसिंग बैग के, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो इम्प्योरिटीज़ थी वो जो है कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर डिफ्यूज आउट हो गई. ठीक है, और इस तरह से प्योरिफिकेशन हो गया कोलाइडर सॉल्यूशन का. अब हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है बाय द स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर. ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग के बॉडी के अंदर भी होता है, किडनी के
अंदर जो है वोमेंस कैप्सूल पाए जाते हैं, एक नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट होता है वोमेन कैप्सूल होता है, उसके अंदर कैपिलरीज का जाल होता है, वहाँ पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ब्लड आता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में और उसके अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में सारी चीज़ें होती हैं, मे बी ग्लूकोज भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वहाँ जो प्रोसेस होता है उस ब्लड में से सारी चीज़ों को निकाल लिया जाता है और ब्लड क्या होता है प्यूरिफाइड होके वापस चला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू द कैपिलरी इन वोमेन कैप्सूल हो रहा है वो अंडर प्रेशर होता है, ठीक है, अंडर क्या होता है प्रेशर होता है। वहाँ पे वोमेन कैप्सूल के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर, कई तरह से प्रेशर लगते हैं, उस प्रेशर के थ्रू जो है कि फिल्ट्रेशन होता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन by a specially prepared filter paper through which all type of particles of particles can pass except collider particles. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्टेबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर थ्रू विच ऑल द पार्टिकल्स कैन पास एक्सेप्ट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल पार्टिकल को छोड़ करके सारी चीज़ें पास कर सकती हैं उस फिल्टर पेपर से, और ये जो फिल्टर पेपर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, नोट डाउन, ये जो बना होता है इट इज़ मेड बाय सोकिंग फिल्टर पेपर इन फिल्टर पेपर इन
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कॉल्ड कोलाइडियम, कोलाइडियम क्या होता है, इट इज कोलाइडियम जो होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ ऑफ ऊपर की लाइन इरेज करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज सेल्यूलोज इन मिक्सचर ऑफ ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, एंड ईथर देन हार्डन इन फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, ठीक है। इस फिल्टर पेपर को बनाने के लिए क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को बनाने के लिए हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलाइडियन के अंदर डिप कर देते हैं। कोलाइडियन जो होता है वो 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है एल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में, जिससे पोर साइज छोटी हो जाती है। जो पोर साइज छोटी हो जाती है तो उसको हार्ड करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड में डाल देते, तो एक हार्ड फिल्टर पेपर बन जाता है। वहाँ पे फिल्ट्रेशन जब करते हैं तो केवल कोलाइडियल पार्टिकल को छोड़ के सब कुछ पास हो जाता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी तरह से हम लोग के बॉडी के अंदर भी होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।